चैटिंग के जरिए नहीं सर, आप डायरेक्ट ही बात कर सकते हैं प्रेम जी। तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, मतलब कि एडवांस एक्सेल वो भी फॉर्मूले के साथ हमारा नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है। इस कोर्स की डिटेल्स जो है मेरी वेबसाइट ibtindia.com पे आपको मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्म में, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐसे में व्हाट्सएप पे सबको भेज दूंगा। तो पहली क्लास है तो थोड़ा सा हम बेसिक आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मुझे पता है कि आप लोगों को एक्सेल पहले से आता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कितना आता है मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, इसलिए मैं समझूंगा कि आप लोग जीरो है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए कि मुझे कंफ्यूजन रहा कि आपको ये चीज आता है वो चीज आपको ना आती हो तो वो चीज आपसे मिस हो जाएगा, इसलिए मैं सोचूंगा कि आप बिल्कुल जीरो है और फिर हम आपको शुरू से क्लास स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने एक्सेल एप्लीकेशन, तो मैं आपको सिखाऊंगा वो होगा 2019 जो कि लेटेस्ट वर्जन है हमारा। ऐसे आपके पास अगर 2013 16 है तो भी कोई बात है, इंटरफेस सबका सेम है। हैदर जी, हैदर जी ज्वाइन किए, तो सबका सेम है। तो 2019 हम आपको सिखाएंगे और हमको जो आपको जो ट्रेनिंग देंगे वो आपको मेनू बार चलेगा, जैसे कि होम मेनू है, हम होम मेनू से स्टार्ट करेंगे और आपका डेवलपर तक चलेंगे ताकि आपको आइडिया रहेगा कि आपका कोर्स कहां तक पहुंच चुका है और कल क्या पढ़ने वाले, ये भी आपको आ जाएगा। तो सिक्वेंसली हम आपको बात करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने इसका एक्सेल के आर्किटेक्चर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एक्सेल में फाइल होता है, फाइल के अंदर हमारे साथ ये होते हैं सीट्स होते हैं, सीट में आपका एक रेंज होता है, रेंज में आपका एक सेल होता, रेंज में सेल होता है, सेल ही आपका डेटा कैरी करता है और हर सेल का अपना अपना एक एड्रेस होता है। जी हाँ, हर सेल का एक अपना एड्रेस होता है। अब इस एड्रेस तो जानते ही होंगे लेकिन क्यों होता है, चलिए इसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। जैसे कि अब मैंने कर्सर यहां रखा तो हमारे पास A1 है, हमारा A1 जो है हमारी सेल का एड्रेस हो गया, मतलब कि A कॉलन एंड 1 रो, जैसे कि हमारे पास यहां पे D कॉलन एंड 6 रो। तो यहां पे हम एक चीज जानना चाहेंगे हैदर जी, मेरी आवाज आपके, मेरी आवाज आ रही है आपको सर? लग रहा हैदर जी का माइक वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पे हम जानना चाहेंगे कि एड्रेस क्यों किया गया, कि अगर आप डेटाबेस की बात करें आपके पास एमएस एक्सेस है, सीक्वल है, ओरिकल है, ऐसे डेटाबेस में वो कॉलम के जरिए आइडेंटिफाई करता है सेल के जरिए, बट इसमें एक सेल का एड्रेस है क्योंकि कैलकुलेशन के लिए ज्यादा यूज होता है। इसलिए जैसे कि आपके पास 20 है और 30 है तो मैं इक्वल करके 20 प्लस 30 लिख सकता हूं और रिजल्ट मुझे 50 मिल जाए, लेकिन यही मैं अगर किया कि C3 प्लस C3 तो B3 प्लस C3 नहीं हो रहा है, B3 की वैल्यू प्लस C3 की वैल्यू और रिजल्ट आपका आ रहा है। मतलब कि कल के डेट में अगर मैं इसको चेंज करता हूं, मैं 60 करता हूं तो मेरा रिजल्ट यहां ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। तो एक्सेल में हर एक सेल का एड्रेस देने के पीछे यही था कारण। अब कैलकुलेशन पे ही बात चली है तो चलिए एक चीज यहाँ पे हम आपको और करके दिखाते हैं। हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, मैं नंबर्स मेनूली टाइप कर देता हूँ, मुझे हर नंबर को 20 से ऐड करना है, एवरी नंबर पे 20 ऐड करना है।
तो इसके लिए हम जाहिर सी बात है कि हम यहाँ ए जाएंगे, ए वन को सिलेक्ट करेंगे, या फिर मैन्युअली टाइप कर सकते हैं, प्लस 20 कर देंगे। और हम इसको जब नीचे ड्रैग करेंगे तो हमारा ए वन ए टू बन जाएगा। तो ये एक बेनिशियल पार्ट है एक्सेल में कि जब आप फॉर्मूला लगाते हैं तो नीचे ड्रैग करते हो तो ड्रैगिंग पॉइंट नीचे की तरफ चला जाता है, तो इंक्रीज होता है। इससे बेनिफिट ये होता है कि आपका किसी भी सेल के ऊपर, मतलब हर एक सेल के ऊपर फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, एक पे लगाइए और नीचे ऊपर आगे पीछे कहीं ड्रैग कर दीजिए, आपका फॉर्मूला उसी के अकॉर्डिंग अपना एड्रेस को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर देगा। हैदर जी आप रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, अल्ट प्लस आर कीजिए, आपका सेशन रिकॉर्ड हो जाएगा। देखिए इसमें एक प्रॉब्लम होता है, अब क्या प्रॉब्लम होता है बताता हूँ आप, कि मैं यहाँ पे बी वन के ऊपर हमने 20 लिखा, मतलब अब मुझे हर नंबर में बी वन की वैल्यू को प्लस करना है। तो उसके लिए हम इक्वल प्लेस करते हैं इसमें और जाते हैं प्लस 20 और फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम हुआ है कि यहाँ आप देख सकते हैं एड्रेस डी ए वन प्लस डी वन, बट यहाँ पे क्या आ रहा है ए टू प्लस डी टू। तो ए टू तो चेंज होना था, मैं जरूरत है मेरी, बट डी वन नहीं होना चाहिए, डी वन हमारा डी टू हो गया, ए नहीं होना चाहिए। तो इसको कैसे रोका जाए, क्योंकि फिर तो दिक्कत हो जाएगी, हर एक सेल में फॉर्मूला लगाना पड़ जाएगा मुझे। तो किसी भी सेल रेफरेंस को इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से रोकने के लिए हम उसके आगे डॉलर साइन लगाते हैं। तो डॉलर साइन कहाँ लगा है? तो हमारे पास डी और वन है। डी क्या है, ये हमारा अल्फाबेटिक जो होता है कॉलन होता है, और न्यूमेरिक हमारा रो होता है। तो मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूं, मतलब मेरा रो इंक्रीज हो रहा है, तो मैं न्यूमेरिक के आगे डॉलर का साइन लगा दूंगा। तो ये न्यूमेरिक हमारा अब्सोल्यूट हो जाएगा, मतलब रो हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस हो गया। अब मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो हमारा ए वन जो है वो ए टू रहेगा, बट हमारा डी वन डी टू नहीं रहेगा, नहीं होगा, तो डी वन ही फिक्स रहेगा। लेकिन मैंने कॉलन के आगे डॉलर साइन नहीं लगाया है। तो अगर मैं इसको कॉलम की तरफ ड्रैग करूंगा, मान लीजिए इधर, तो हमारा डी जो है ई बन जाएगा। तो आप चाहते कि नहीं मैं कॉलन भी ड्रैग होने से बचे, तो उस केस में मैं यहाँ पे डी के आगे भी डॉलर का साइन लगा दूंगा, तो ड्रैग करने पे डी हमारा फिक्स हो जाएगा। ये हमारा डॉलर कंसेप्ट है, इसके ऊपर हम आगे भी आपके साथ डिस्कस करेंगे अपनी कैलकुलेशन। अभी जस्ट मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो रेफरेंसिंग स्टाइल में बात करते हैं कि रेफरेंस क्या होता है। जैसे आपने यहाँ पे इक्वल ले लिया ए वन, तो ए वन लिया इसका मतलब है कि वो एक्टिव शीट का ए वन। अब मुझे सीट टू का ए वन चाहिए, तो खैर तो मुझे जाके सीट टू पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, और एड्रेस हमारा बनेगा यहाँ देखिए सी टू बी फोर। तो अगर आप डायरेक्ट कॉलम और रो लिख देते हैं, A1, A2 लिख देते हैं, तो सेम सीट के कंसीडर को सेल को कंसीडर करता है। तो आपको डिफरेंट सीट चाहिए तो आपको अपने सीट का नाम और ये आपका स्पेशल मार्क प्लस एड्रेस लिखना पड़ेगा, चाहे लिख लीजिए या आपका माउस से सिलेक्ट करने पे भी आ जाता है। ये हो गई सेम फाइल का सीट टू। लेकिन मेरे पास मान लीजिए कोई दूसरा फाइल है, जैसे मेरे पास डेटा वाली फाइल है, तो मैं यहाँ पे इक्वल प्रेस किया और डेटा वाले फाइल पे चला गया। वहां पे जब हम सेल को लिंक करेंगे तो आप देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे आया कि डेटा फाइल नेम, वो भी स्क्वायर ब्रैकेट में, सीट नेम, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद आपका A3, और A3 में ऑटोमेटिक आपका डॉलर साइन लग गया। लेकिन विथ इन फाइल में देखिए यहाँ डॉलर साइन नहीं लगता है। यहाँ पे एक चीज और नोट करने वाली बात है कि अगर आप किसी फॉर्मूला या फिर मैनुअल लिंक के साथ अगर आप किसी और फाइल के सीट के सेल्स को अगर आप रेफर करते हैं तो आपका डॉलर साइन आता है लगा हुआ, जैसे कि यहाँ पे है, वैल्यू एब्सोल्यूट होती है। मैं इसको नीचे ट्रैक करूंगा, ये हमारा A3 रहेगा, A4 नहीं रहेगा, इसका आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज कि इसमें फाइल का जस्ट नाम आया है, फाइल का कंप्लीट एड्रेस नहीं आया है, तो किस ड्राइव में सेव है। ठीक है, जब तक आपका फाइल ओपन है आपके फॉर्मूला में जस्ट फाइल नेम दिखाएगा,
लेकिन जैसे ही फाइल को आप क्लोज करेंगे, जैसे मैंने यहां पे इस फाइल को क्लोज कर दिया, जैसे हमने फाइल को क्लोज किया, आप देखें यहां पर देखिए कंप्लीट सीट का एड्रेस आ गया। अच्छा, आप लोगों के पास कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप नहीं पूछिए। हैदर जी, डाउट ये वाला एक बार फिर से रिपीट कीजिए सर। देखिए क्या है कि अगर आपने किसी और फाइल के साथ लिंक करते हैं, तो अगर वो फाइल आपका ओपन है तो एड्रेस में जस्ट फाइल नेम आएगा, जैसे डेटा एक्सप्रेस आता है, ठीक है। लेकिन जैसे फाइल को आप क्लोज करेंगे, वो फाइल से पहले उसका कंप्लीट पाथ ऐड हो जाता है, जैसे यहाँ पे ऐड हो गया, अभी ऐड हो गया है। जैसे मैं इस डेटा वाली फाइल को ओपन करूंगा, ये पाथ हट जाएगा। सॉरी, यहाँ पे सीट फोर में सेव नहीं किया था तो सीट फोर डिलीट हो गया, यहाँ पे सीट फोर लगा देता हूँ। देखा सर, हट गया। ठीक है सर, और जैसे मैं फाइल को क्लोज करूंगा, क्लोज किया, वापस पूरा सर एक क्वेश्चन है, लाइक ये वाली सीट अभी सी यूजर आईबीटी में है, और अगर इस शीट को अगर हम डी ड्राइव में पेस्ट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसका पाथ डी ड्राइव दिखाएगा क्या? अगर इस पाथ से फाइल मूव होता है, जैसे इस फाइल को आप ओपन करेंगे तो आपको अपडेट लिंक का ऑप्शन आएगा, पाथ से अपडेट करके आपको फाइल द्वारा सेलेक्ट करना पड़ेगा। याद दिखा रहा है? ये एडिट लिंक, इस पे जाके फाइल सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके सर, गॉट इट। चेंज सोर्स आ रहा है ना। और कोई डाउट? अब हम बात करते हैं अगले से टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा ये है कि अगर हम एक्सेल सीख लेते हैं, अब जाहिर सी बात है कि आप लोगों का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाला दिमाग तो नहीं है कि हर एक चीज याद रखेंगे। हमारे पास प्रेसिडेंट, इंडियन प्रेसिडेंट जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनकी खूबी थी एक बार जो सीख लेते थे हमेशा याद रहता था। वो खूबी तो हमारे आपके पास में है नहीं, क्योंकि वो खूबी लाने के लिए हमें लग रहा है कि एक आध क्विंटल बादाम खाना पड़ेगा। तो अगर कल के डेट में कोई टॉपिक अगर भूल जाते हैं तो कैसे हेल्प लें? अगर मान लो होता ना कभी कभी हमें टॉपिक भूल जाते हैं, छोटे मोटे हिंट्स आ जाता है तो हमें याद आ जाते हैं। तो मेरे पास इसी तरह से मान लीजिए कि मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को भूल गया, मुझे उसको याद कैसे पता चलेगा? तो उसके ऊपर आप कर्सर रखेंगे तो कर्सर रखते ही आपको उसके बारे में शॉर्ट नोटिस मिल जाएगा। मिल गया? अगर इससे भी समझ में नहीं आता है तो टेल मी मोर या F1 बटन प्रेस करेंगे तो आपका हेल्प खुल जाएगा। अब बच्चे पूछते हैं कि सर हेल्प में जाके क्यों देखें? जनरली हमें और आपकी प्रॉब्लम होता है, हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं ना, तो गूगल पे जो चीजें हम सर्च करते हैं वो 100% प्रूफ रीड नहीं होता है। 100% प्रूफ रीड क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो हम जैसे आप जैसे लोग आर्टिकल्स और बाकी चीजों में लिखते हैं, लेकिन जो एक्सेल हेल्प में चीजें हैं
वो चीजें माइक्रोसॉफ्ट ने पूरी तरह से प्रूफ रीड किया हुआ है, चेक किया हुआ है और 100% सही रहे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो पहले आप अपने गूगल एक्सेल हेल्प में सर्च करें, क्योंकि आपका यूजर मैनुअल है। फिर वहां से अगर आपको नहीं मिलता है सॉल्यूशंस, देन आप जो है कहीं और जाए। तो कंडीशन कमिटी के बारे में आप पूरी जानकारी आपको दिख जाएगी, आप देख लीजिए। अगर मुझे और भी चीज चाहिए जैसे कि शॉर्टकट, अब देखिए शॉर्टकट मैं आपको पहली क्लास में बता रहा हूँ इसलिए, क्योंकि आगे मैं शॉर्टकट के बारे में जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि मैं शॉर्टकट यूज नहीं करता। जब से मैं ट्रेनिंग स्टार्ट किया है मैंने शॉर्टकट यूज करना छोड़ दिया है। शॉर्टकट यूज ना करने के रीजन था कि अगर मैं शॉर्टकट यूज किया और कहीं पे क्लिक किया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कहां पे क्लिक किया, इसलिए शॉर्टकट का इस्तेमाल मैं नहीं करता। लेकिन आपको शॉर्टकट तो चाहिए, शॉर्टकट क्यों चाहिए? क्योंकि शॉर्टकट आपके काम को 30% फास्ट कर देता है। तो शॉर्टकट लिस्ट के लिए यहाँ आप हेल्प पे ही जाके, या टेल मी मोर ऊपर होता है ना उस पे जाइए, या F1 दबा के हेल्प ले आइए और वहां पे आप शॉर्टकट सर्च कीजिए, शॉर्टकट सर्च कीजिए। यहां देखिए कीबोर्ड एंड एक्सेल शॉर्टकट की। अब आप लोग अपने पास अगर कोई नोटबुक वगैरह लिख रखे हैं तो इसमें लिख लीजिए कि आपको शॉर्टकट को थोड़ा सा याद करना है, शॉर्टकट को थोड़ा सा याद करना। हेलो आईपीटी, हाँ बोलिए। नहीं क्लास हो जाए, हाँ बात हो गया है, अब अभी बता दिए क्या करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारे शॉर्टकट्स आपको दिख रहे हैं, आप इसका यूज कर सकते हैं, जिसको आप आसानी से अपने हिसाब से कर लीजिएगा और इसका इस्तेमाल आप लोग अपने ऑफिशियल लाइफ में आराम से कीजिएगा। अलग अलग टाइप के शॉर्टकट्स हैं, आप उसके हिसाब से यूज कीजिएगा शॉर्टकट्स। ठीक है सर, तो शॉर्टकट कैसे लाना है पता चल गया आप लोगों को? संदीप जी, शिवम जी, हाँ जी सर, जी जी पता चल गया। ओके, ज्यादातर शॉर्टकट ही यूज करते हैं ऑफिशियल लाइफ में, तो शॉर्टकट बिना काम नहीं है। समझ सकता हूँ, इसलिए तो मैं आपको पहले आज बता रहा हूँ शॉर्टकट के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे एक आती है कि हर चीज का शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है, हर चीज का शॉर्टकट हमारा अवेलेबल नहीं है, या डायरेक्ट शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है। तो आप जैसे कि मुझे मान लीजिए कि करना है बॉर्डर अप्लाई करना है, और बॉर्डर होम मेनू के या और बॉर्डर में अवेलेबल है आपको यहाँ पे ऑल्ट, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम अपना ऑल्ट की दबाएंगे, अपने कीबोर्ड का ऑल्ट की प्रेस करेंगे। जैसे आप कीबोर्ड का ऑल्ट की प्रेस करेंगे आपके देखिए ऊपर मेनू बार में एक लेटर आ गया, जैसे कि फाइल है, होम है, इंसर्ट है, तो जो लेटर दिख रहा है वो आपका शॉर्टकट। तो मैं अपने कीबोर्ड का एच की दबाऊंगा क्योंकि होम का आगे एच दिला हुआ है, तो होम मेनू बार के जितने भी मेनू है वो आपका एक्टिवेट। मुझे बॉर्डर अप्लाई करना है तो बी ए रहा तो बी दबाऊंगा, ये हमारा बी आ गया, और वापस मैं ऑल बॉर्डर के लिए ए दबाऊंगा क्योंकि यहाँ पे ए है तो हमारा ऑल बॉर्डर अप्लाई हो गया। तो पहली बार थोड़ा दिक्कत हुआ, अगली बार मुझे याद हो जाएगा कि ऑल्ट एच फॉर होम, बी फॉर बॉर्डर, ए फॉर ऑल बॉर्डर। तो इस तरह की शॉर्टकट भी कर सकते, ऑल्ट की प्रेस करने के बाद आप किसी मेनू के किसी भी फंक्शन में इंटर हो सकते हैं ऑल्ट की, ये भी एक फीचर है। दूसरा कि राइट क्लिक कैसे करें, तो राइट क्लिक करने के लिए आप अपने कीबोर्ड में देखेंगे कि कंट्रोल और विंडो की के बगल में एक तीर का निशान बना होगा लिस्ट टाइप का, वो आपका राइट क्लिक है। आप राइट क्लिक भी कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से, और यहां पे देखिए जब राइट क्लिक करेंगे तो लिस्ट जो आएगा
उसमें जो लिस्ट से कट है, कॉपी है, ये सब दिख रहा है ना, तो हर हर ऑप्शन के हर एक लेटर के नीचे अंडरलाइन है, जैसे कट में टी के नीचे, कॉपी में सी के नीचे, ये आपकी शॉर्टकट है। तो मुझे अगर फॉर्मेट सेल पे क्लिक करना है तो देखिए फॉर्मेट सेल में एफ के नीचे अंडरलाइन लगा है, तो मैं अपने कीबोर्ड का एफ प्रेस करूंगा तो मेरा फॉर्मेट सेल का फंक्शन सामने आ जाएगा। आ गया। अब फॉर्मेट सेल में मैं टैब प्रेस करूंगा तो इसके नीचे वर्क आएगा, अगर टैब एंड एरो की से इसके नीचे हम काम कर सकते हैं, कंट्रोल टैब करेंगे तो अगले सेक्शन से अभी नंबर में है तो अलाइनमेंट में चला जाऊंगा, और टैब से फिर इसके अंदर अपना मूव करूंगा टैब एरो की वगैरह। अब मान लीजिए मुझे इसको चेक करना है तो के नीचे अंडरलाइन है तो मैं अपने कीबोर्ड का के भी दबा सकता हूं या स्पेस बार से भी कर सकता हूं। ऐसे कंट्रोल टैब वापस आने के लिए कंट्रोल, जैसे मैं बॉर्डर पे हूं मुझे वापस अलाइनमेंट में आना है तो कंट्रोल और शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे, शिफ्ट हमेशा अपोजिट काम करता है तो पीछे आएंगे कंट्रोल टैब, एस्केप से इसको हटाएंगे और एंटर से ओके करेंगे। ये चीजें भी आप अपने पॉपअप बार के साथ कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कहीं एंट्री कर रहे हैं आप, एंटर से नीचे आते हैं और टैब से ऊपर जाते हैं, अब एरो की कभी कभी क्या होता है स्क्रॉल लॉक जब कर देते हैं तो बिजी हो जाता है, तो आप एंटर से नीचे तो आ जाएंगे ऊपर कैसे जाएंगे। तो जैसे अभी बताया कि शिफ्ट हमेशा रिवर्स का काम करता है तो कंट्रोल शिफ्ट से आप ऊपर जाएंगे, टैब से आगे आएंगे तो शिफ्ट टैब से आप पीछे आएंगे। तो कभी एरो की अगर आपका व्यस्त रहा तो टैब और कंट्रोल का यूज एरो की तरह कर सकते हैं। तो इसमें शॉर्टकट से रिलेटेड कोई डाउट्स आप लोगों को? नहीं नहीं ऑल क्लियर। ओके हैदर जी, संदीप जी, प्रेस जी, कोई डाउट? यस नहीं नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन की। जैसे मान लीजिए कि मुझे हर एक फीचर का लिमिट पता करना है, ठीक है ना, क्योंकि मेरे मानना है कि जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं तो उसके बारे में मुझे पता होना चाहिए हर एक चीज। तो जहां पे हमने शॉर्टकट सर्च किया था वहीं पे जाके आप लिमिट को सर्च करें, गेट हेल्प ऑन द लिमिट, यहीं पे सर्च करके आ जाएगा आपको एक्सेल एप्लीकेशंस ऑल लिमिट। अब इसको आप, मैं नहीं बोलता, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं ये नहीं बोलता कि संस्कृत की श्लोक की तरह इसको आप रट्टा मार लें, लेकिन कैजुअली इसको एक बार पढ़ लीजिए। इसमें क्या है आपको कि सब चीजें, जैसे देखिए ओपन वर्कबुक, एक बार में दो फाइल खोले हो कितना फाइल खोल सकते। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर में कोई चीज अनलिमिटेड नहीं होता। जैसे कोई फाइल मान लीजिए हमने शीट में ए लिखा तो इसमें इसने कोई ना कोई एक स्पेस मेमोरी में कैप्चर जरूर किया, तो वैसे जब फाइल हम ओपन करते हैं तो थोड़ा बहुत मेमोरी कैप्चर होता है, बहुत ये उतना होता है जैसे एक फुटबॉल क्रिकेट मैच के ग्राउंड में सीयू के एक सुई जो है जितना स्पेस लेता है उतना लेगा, लेकिन कभी ना कभी तो बढ़ेगा ही। सेम उसी तरह से होता है, लेकिन इसलिए आप बोल सकते हैं कि लिमिटेड नॉट अवेलेबल डिपेंड ऑन सिस्टम रिसोर्स, ऐसे कॉलम का विड्थ है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि सर एक कॉलम ये लिमिटेशन डालने में क्या फायदा, जैसे मान लीजिए कॉलम का विड्थ जितना बड़ा होना होगा उतना बड़ा हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए इसी चीज को आपको VBMI को प्रोग्रामिंग के थ्रू करना हो तो उस केस में क्या होगा कि आपसे पूछेगा कॉलम की साइज, आपको चाहिए बड़ा साइज, आपने क्या किया 500 लिख दिया। अब प्रॉब्लम होगा कि 500 इसके लिमिटेशन से बाहर है, अब वो एरर देगा तो वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन लिमिटेशन के बारे में पता होगा आपको तो आप समझ जाएगी इसके लिमिटेशन से बाहर चली गई। सब चीजें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए 32,700 में एक सेल के ऊपर में कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं, कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं वो आपका 32,767। तो अब कुछ लोग पूछते हैं कि सर एक सेल में
हम कितने इफ नेस्टेड लगा सकते हैं या कितने कंडीशन दे सकते हैं एंड में, कितने फॉर्मूला मर्ज कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है उस फॉर्मूला के लेटर्स पे। जैसे फॉर्मूला लिखा मैंने अभी, इसकी साइज हो गई इक्वल वन आई टू एफ थ्री फोर लेटर है टोटल, ऐसे 32,000 से ऊपर लेटर हो जाएगा तो फॉर्मूला काम करना बंद हो। सेंटेंस को शो करने के लिए कौन सा बटन प्रेस करते हैं? जो सामने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है टैप, टैप से वो ले लेता है। क्या है सर कि जैसे मैं इक्वल के बाद फॉर्मूला लिया, ठीक है, तो आप एरो की से फॉर्मूला सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे उस फॉर्मूला का डेफिनेशन दिख जाएगा, और जैसे टैब आप प्रेस करेंगे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और नीचे सिंटैक्स दिख जाएगा। ठीक है, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मेरे कहने का ये मतलब ये जो हाईलाइटेड सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कन्वर्ट टू ए टेक्स्ट, मैं चाहता हूँ ये अगर मैं सामने इसको ले आता हूँ, मतलब इसको सिंटैक्स आप देख रहे हैं उसको आप सेल की वैल्यू बनाना चाहते हैं, किसी सेल में मैं उसको टाइप मतलब एक तरीके से उसको मैं रखना चाहता हूँ एज ए टेक्स्ट। नहीं ये ऐसा तो नहीं कर सकते, लेकिन इसी फंक्शन की यहाँ पे आ जाइए ना, फंक्शन पे क्लिक कीजिए और गेट ऑन द हेल्प पे चले जाइए, यहाँ आपको इसका पूरा रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ तो था एक्चुअली शॉर्टकट मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट वो होता है, मैं मेरे दिमाग देखिए फंक्शन देखिए बताता हूँ आपको कि अगर आप फॉर्मूला को टेक्स्ट में करना चाहते हैं तो उसको तो आप इनपुट कोड लगाइए और फॉर्मूला इसको टेक्स्ट कर दीजिए और फिर इसको आप लिखेंगे फॉर्मूला तो फॉर्मूला जैसा है वैसा ही रह जाएगा। यहाँ पे हमने लगा इस फॉर्मूला लगाया और जो भी फॉर्मूला हम लगाएंगे जैसा वैसा ही रह जाएगा, ये तो अलग चीज है। इस साइंटेक्स के बारे में तो मुझे पता नहीं है, मैंने कभी ऐसा यूज किया नहीं, ऐसे आपने बोला है तो मैं रिसर्च करूंगा। नहीं हाँ सर, ये होता है एक्चुअली, ऐसा है कि मैंने जहाँ मतलब मैं एक्चुअली कर चुका हूँ एडवांस एक्सेल, मैंने आज करीबन 3 साल पहले कर चुका हूँ, तो जब मैं करता था मैं यूज भी करता था, लेकिन मेरे दिमाग में ये हट चुका है मैं काफी टाइम से। पहली बात है कि इसको रखने से क्या फायदा होता है? नहीं नहीं आप समझ, मेरे कहने का मतलब है ये बहुत सारे चीजों में हेल्प ही कर जाता है। अगर जैसे मान लीजिए कि हमने हमको नहीं पता है, कभी कभी क्या होता है कि लोगों को यही नहीं पता होता कि सिंटैक्स मूव कैसे होता है, मतलब वो बोल क्या रहा है, लिए उसको रखने का जो जैसे फॉर्मूला आप लगाएंगे सिंटैक्स मिल जाएगा, सिंटैक्स समझ में नहीं आया एफएक्स पे क्लिक कीजिए, यहाँ आपको पूरा दिख रहा है कि लेटेस्ट वैल्यू क्या होता है, इसकी पूरी डेफिनेशन यहाँ आपको दिख रहा है, या मैं वैल्यू ट्रू पे क्लिक करूंगा तो वैल्यू ट्रू की डेफिनेशन पूरा यहाँ दिख रही है, वैल्यू फॉल्स पे क्लिक करूंगा तो वैल्यू फॉल्स का डेफिनेशन दिख रहा है, यहाँ पे रिजल्ट दिखेगा, तो मुझे क्या करने की जरूरत, रखने की जरूरत क्यों है जब एक्सेल पूरा कैरी कर रखा है? जब आप एक नोट्स बनाते हो, आप एक उसकी बुक बनाओगे तो रख सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है ना सर कि मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे तो अपने रिपोर्ट्स को ऑटोमेट करने की जरूरत पड़ती है ना सर। ऐसे मैं रिसर्च करूंगा कि ये कैसे आएगा, ठीक है, ऐसे आपको पूरा हेल्प का पूरा ये हेल्प पूरा इसमें दिया हुआ, आप यही पे पूरा सर्च कर सकते हो, जैसे मैंने एक फॉर्मूला सर्च कर लिया पूरा दिख जाएगा आपको, यहाँ ये फंक्शन पूरा यहाँ पे वीडियो के साथ मिल जाएगा, इमेज के साथ मिल जाएगा, सिंटैक्स के साथ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा आपको, यहाँ सिंटैक्स नहीं, मैं एज ए नोट्स के लिए बोल रहा था, क्योंकि वैसे क्या होता है ना हमें ज्यादा वो आप तो अपने कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक्सेल में नोट्स बनाना चाहते हैं तो बेवकूफी है, एक्सेल तो ऑलरेडी सारा नोट्स दे ही रहा है ना आपको, इसको अगर कहीं डायरी वगैरह में नोट करना चाहते हैं, प्रिंट आउट वगैरह निकालना चाहते हैं, तो वो एक अलग चीज है। आप इसको सोचेंगे कि मैं एक्सेल में इसको टाइप करके रख दूं, तो एक्सेल तो ऑलरेडी पूरी की पूरी हिस्ट्री रख रहा है आपका यूजर मैनुअल के साथ, क्या फायदा है? एक्चुअली ऐसे चार्ट में इसको अपने मतलब रूम में उसे लगा के रखता हूँ, ताकि मैं जब भी
वहां से निकलता हूँ तो मुझे वो सेंटेंस दिमाग में घूमता रहता है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपको ये दिखने का सेंटेंस दिमाग में रहता है फिर। हाँ, अगर ऐसा पॉसिबल होगा तो मैं आपको बताऊंगा। फॉर्मूला वगैरह तो निकाल सकते हैं कि फॉर्मूला क्या लगा है उसको निकाल सकते हैं, टेक्स्ट कर दीजिए या फॉर्मूला टेक्स्ट का एक फॉर्मूला ही होता है, तो अलग चीज है सर। अब हम बात करते हैं, ये तो होगी लिमिटेशन की बात हमारी होगी, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक में कि हम एक्सेल को, अभी आप जो एक्सेल का कोर्स कर रहे हैं इस कोर्स का यूटिलाइज कहाँ करेंगे। ठीक है सर, तो सबसे पहला होता है वो होता है आपका डेटा स्टोरेज, कि आप एक्सेल में, एक्सेल का यूज अपने डेटा को स्टोर करने का यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक्सेल एक डेटाबेस नहीं है, क्योंकि इसके एक लिमिटेशंस है और डेटाबेस के लिए नहीं बना हुआ है। फिर भी हम मिसलेनियस डेटा, स्मॉल डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और ये हर कंपनी इस डेटा स्टोरेज चीज का इस्तेमाल करती है। जैसे मान लीजिए कि आपकी कंपनी का अकाउंट टीम है, अकाउंट टीम अपने पूरी अकाउंटिंग डेटा को टैली में रखता है, फिर भी एक्सेल पे डेटाबेस स्टोर जरूर करता है। जैसे कि पेट्री कैश का डेटा हो गया, वो उसके लिए हर एक चीज के लिए लेजर थोड़ी बनाएगा, चेक प्रिंटिंग के लिए डेटा हो गया, सैलरी ट्रांसफर करना है उसका डेटा हो गया। तो डेटा इज मिसलेनियस एंड स्मॉल डेटा स्टोरेज के लिए हम यूज करते हैं डेटा स्टोरेज। दूसरा आता है एक्सेल में यूज आता है कैलकुलेशन, कि हम अब कैलकुलेशन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूला और मैथमेटिकल कैलकुलेशन को इजीली किया जा सकता है, क्योंकि हर सेल का वैल्यू होता है। जैसे एग्जांपल कि मेरे पास क्वार्टर वन का सेल है और क्वार्टर टू का सेल 20% 30 है, मैं यहाँ इसका ग्रोथ निकालना चाहता हूँ, इसका ग्रोथ क्या है। अब इसके लिए फॉर्मूला है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, अदरवाइज जो मैथमेटिकल मैथमेटिकल सिंबल है कि लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, तो वो आप यहाँ यूज कर सकते हैं कि इन द ब्रैकेट लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, जो मैथमेटिकल कंसेप्ट है, ये आपका ग्रोथ आ गया। तो इसमें इजिली कैलकुलेशन हो सकता है, क्योंकि हर एक सेल को कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि बाकी डेटाबेस वगैरह में नहीं होता है, क्योंकि वो पूरा एक फील्ड को लेकर चलता है। दूसरा यहाँ पे आता है रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि मान लीजिए कि अब प्रेजेंटेशन की बात आती है तो बच्चे बोलते हैं कि सर प्रेजेंटेशन को तो हम पावर पॉइंट भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आपकी डायनेमिक प्रेजेंटेशन की बात आती है उसमें मुश्किल होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिपोर्ट है, मैं दिखाता हूँ आपको, सेल्स रिपोर्ट में होकर देखता हूं। ओके, ये हमारा एक सेल्स डेटाबेस है, तो बेसिकली क्या है कि ये मंथली बना हुआ है, हाँ इस पे मंथली बना हुआ है मेरा, तो मैं यहां से मंथ सिलेक्ट करूंगा, मैं रिपोर्ट पूरा रिपोर्ट उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अब मैं इसको पीवी पावर पॉइंट के द्वारा दिखाऊंगा तो मुझे 12 महीने है, तो मुझे उसके लिए 12 फाइल तैयार करने पड़ेंगे हर महीने का अलग अलग, क्योंकि पावर पॉइंट में ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप यहां से महीना चेंज करें और आपका पूरा रिपोर्ट उसके अकॉर्डिंग चेंज हो। देखिए एक्सेल में ऐसा है, तो जहां पे डायनेमिक रिपोर्ट एंड डायनेमिक रिपोर्ट के प्रेजेंटेशन की बात आती है वहां पे हम एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन और एनालिसिस भी इसको जो बोल सकते हैं, उसके बाद बोलता है यहाँ पे शेयरिंग, अगर आपको कोई रिपोर्ट किसी को भेजना है तो हम क्या करते हैं एक्सेल यूज करते हैं। अब मैं टैबलू यूज करता हूँ और टैबलू की रिपोर्ट मैं आपको भेज दूं, आपके पास टैबलू होगा तभी देख पाइए, लेकिन मुझे पता है कि आपके पास एक्सेल तो होगा ही होगा, एक्सेल नहीं होगा तो एक्सेल व्यूअर होगा या फिर आप गूगल शीट के जरिए तो देख ही सकते हैं। ठीक है सर, इसके लिए इस्तेमाल मुझे ये पूछना था, ये जो भी आपने डैशबोर्ड का प्रेजेंटेशन जो मुझे दिखाया अभी आपने इतने साल के पास थे, वो आपने VBA के अकॉर्डिंग से बनाया था या नॉर्मल सिर्फ फॉर्मूला एडवांस एक्सेल का फॉर्मूला है? देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है, वो तो
मतलब ये तो ठीक है, मतलब बाकी जो सारे डैशबोर्ड है वो सारे सिर्फ फॉर्मूला से है? देखिए डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट की, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग बनता है। मेरी रिक्वायरमेंट यही है। देखिए रिपोर्ट क्या होता है, दो तरह से आता है, सेमी ऑटोमेटेड एंड फुल्ली ऑटोमेटेड। अगर फुल्ली ऑटोमेटेड करना चाहते हैं तो यूज होगा VVA, सेमी ऑटोमेटेड करना चाहते हैं तो विदाउट VVA हो सकता है। बाकी चीज हम डिस्कस कर लेंगे, अभी टाइम हो गया है तो हम क्लास को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अगली क्लास, कल की क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे फाइल मेनू के बारे में। अभी मैंने आपको आगे